इस बात को बीते कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उस रात के बारे में सोचता हूं तो पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ जाती है। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और भयानक रात थी। ये बात साल 2004 जून की है। मैं तब 17 साल का था। मुझे भूतों की कहानियां बहुत अच्छी लगती थी। भूतों की कहानियां सुनकर मुझे डर कम बल्कि मजा ज्यादा आता था। हम दो भाई हैं और हमारे गांव में हमारी थोड़ी बहुत जमीन भी थी। भैया मुझसे 4 साल बड़े हैं। फसल के तैयार हो जाने के बाद कुछ दिनों तक खेतों में फसल की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फसल के चोरी होने या किसी तरह के नुकसान होने का डर हमेशा ही बना रहता है। वैसे तो पिताजी ही खेत में रखवाली के लिए जाया करते थे, लेकिन उस दिन गांव से एक बारात जानी थी और पिताजी को भी उस बारात में जाना था, इसीलिए खेतों की निगरानी रखने की जिम्मेदारी अब हम दोनों भाइयों पर ही थी। रात के करीब 8 बजे मैं और मेरा भाई खाना खाकर खेत की तरफ निकल पड़े। हमारे पास एक टॉर्च और एक लाठी भी थी। खेत की तरफ जाते हुए हमने देखा कि पूरा गांव बिल्कुल सुनसान हो रखा था। गांव के सारे मर्द बारात में गए हुए थे। वैसे हमें कोई डर नहीं था, लेकिन ऐसे माहौल में चोरों का खतरा बढ़ जाता है। कुछ ही देर में हम गांव से निकलकर खेतों में आ गए थे। हमारा खेत गांव से करीब 2.5 किलोमीटर दूर एक बिल्कुल सुनसान इलाके में था, और हमारे खेत से थोड़ा सा आगे जाकर एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था, जहां गांव के गरीब निचली जाति के समझे जाने वाले लोग अपने मरे हुए बच्चों को दफनाया करते थे। हम दोनों हमारे खेत में पहुंच चुके थे। खेत में रहने के लिए हमने एक ईंट और सीमेंट का छोटा सा कमरा भी बना रखा था। कमरे के अंदर जाकर हमने पंखा और लाइट जला ली और बेड पर बैठ गए और करीब 1 घंटे वहीं बैठे बातें करते रहे। बातें करते करते भैया को याद आया कि हम पीने का पानी लाना तो भूल ही गए। भैया ने मुझसे वहीं रुकने को बोला और पानी लेने के लिए वापस घर की तरफ निकल गए। मैं अकेला वहीं उस कमरे में बैठा ही था कि लाइट चली गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो गांव में लाइट थी। इसका मतलब जरूर बिजली का कोई तार हिल गया था। कमरा छोटा होने की वजह से वहां गर्मी बहुत लग रही थी, इसलिए मैंने खुद जाकर बिजली के तार को चेक करने का फैसला किया। मैंने टॉर्च उठाई और एक बड़ा सा पतला डंडा लेकर बिजली के खंभे की तरफ निकल पड़ा। बिजली का वो खंभा उस पीपल के पेड़ के पास ही था। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। मैंने जैसे ही डंडे को उठाकर ऊपर तार को हिलाने की कोशिश की कि तभी मुझे कोई आवाज सुनाई दी। आवाज किसी औरत की थी। आवाज सुनते ही मैं बहुत डर गया कि इतनी रात में इस सुनसान जगह पर कोई औरत क्या कर रही होगी। अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, इसलिए जिस तरफ से उस औरत के बुदबुदाने की आवाज आ रही थी, मैंने उसी तरफ टॉर्च को किया और तब मैंने जो देखा, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। मैंने देखा कि एक बहुत ही डरावनी औरत, जिसके बाल बिखरे हुए थे, सामने जमीन पर बैठी थी और पता नहीं कैसे मंत्र से पढ़े जा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और आंखें बंद किए हुए ही वो मंत्र पढ़ते हुए जोर जोर से हिल रही थी। तभी मेरी नजर उस औरत की गोद में पड़ी तो देखा कि उसने अपनी गोद में एक बच्चा लिया हुआ था, लेकिन वो बच्चा जिंदा नहीं था। वो बच्चे की लाश थी जो कि सड़ चुकी थी, और बीच बीच में उस लाश में से खून और मांस जैसा कुछ बाहर निकल रहा था। मैं वहां खड़ा वो सब देख ही रहा था कि उस औरत ने आंखें खोल दी। अब वो ठीक मेरी तरफ ही देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था और वो देख के मेरी तो जैसे सांसें ही रुक गई। मैंने उसी वक्त टॉर्च बंद की और जितना तेज हो सकता था वहां से भागने लगा, लेकिन मेरे भागते ही
वो औरत भी रोने की आवाज में चीखते हुए मेरे पीछे भागने लगी। भागता हुआ मैं बस यही सोच रहा था कि आज जरूर मारा जाऊंगा। मैं जल्दी से खेत में अपने कमरे में पहुंचा और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। बिजली ना होने की वजह से कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। मैं वहीं बिस्तर के कोने में बैठकर जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैं अपने आप को बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो औरत मेरे पीछे यहां तक नहीं आएगी, लेकिन ये सब बेकार साबित हुआ। तभी मुझे बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई दी। वो मेरे कमरे के बाहर तक पहुंच चुकी थी। वो जोर जोर से अपनी भारी सी आवाज में मुझे दरवाजा खोलने के लिए बोल रही थी। मैं वहीं कोने में डरा सहमा छुपा हुआ था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ऊपर वाले को याद करता हुआ मैं बस यही दुआ मना रहा था कि बस आज बचा ले। मेरे दरवाजा ना खोलने पर वो औरत अब और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और गुस्से में मुझे गंदी गंदी गालियां और बद्दुआएं देने लगी। उसने कहा कि अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वो मुझे मार डालेगी, क्योंकि मैंने उसको मंत्र साधना करते हुए देख लिया था। लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। मैं बस वहीं कोने में छुपा हुआ रोए जा रहा था। कुछ देर बाद वो औरत वहीं बैठ गई और बोली कि लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। ये बोल के उसने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। शायद उसने कोई अगरबत्ती भी जलाई थी, क्योंकि उसकी महक कमरे के अंदर तक आ रही थी। और धीरे धीरे उसके मंत्रों की आवाज तेज और तेज होती चली गई। उसकी आवाज सुन के ही डर लग रहा था, लेकिन तभी मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे हाथ पैरों को जोर से दबा रहा है। सर में दर्द होने लगा था और चक्कर से आ रहे थे। ऊपर से उसके जोर शोर से मंत्र पढ़ने की आवाजें। वो औरत रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सर का दर्द अब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। मैं अपने होश खोता जा रहा था, लेकिन तभी मुझे फिर से दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई दी। मैंने होश में आते हुए आवाज पर ध्यान दिया तो पता चला कि वो तो भैया की आवाज है। साथ में कई गांव वालों की भी आवाजें आ रही थी। अब मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। तब भैया ने मुझे बताया कि जब वो पानी लेकर वापस खेत में आ रहे थे तो उन्होंने उस औरत को दरवाजे के बाहर बैठे जादू टोना करते हुए देखा, तो वो समझ गए कि वो औरत जरूर कोई डायन है। इसीलिए उन्होंने समझदारी दिखाते हुए वापस गांव की तरफ दौड़ लगा दी और कुछ गांव वालों को साथ लेकर आ गए। लेकिन वो डायन शायद गांव वालों के आने की आवाज सुनकर पहले ही वहां से भाग गई। पर दरवाजे के बाहर अभी भी उस बच्चे की लाश पड़ी हुई थी और आसपास जादू टोने का सामान भी बिखरा पड़ा था। उसके बाद हम सब वापस अपने गांव में चले गए। उस दिन के बाद से पूरे गांव में उस औरत के बारे में बातें होने लगी कि वो डायन आखिर थी कौन। अगले 2 दिन तक मुझे बहुत तेज बुखार आया। फिर एक तांत्रिक ओझा ने मुझको देखा। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन उस रात मेरे साथ जो बीता वो मैं जिंदगी भर भुला नहीं सकता।